हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बम्पर भर्ती का, जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग, टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, साथ ही साथ यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोजिशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। बेसिकली जो कंपनी ये काम करती है, यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, साथ ही साथ ये स्टेट गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन निकाला गया है और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेशन बना रहता है। तो अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और आपका यहाँ पे पोजीशन क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने यहाँ पे आईटीआई कर रखा है बिल्कुल आप एलिजिबल है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आईटीआई वालों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो टेक्नीशियन का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने आईटीआई किया तो आप टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जो पोजीशन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोजीशन आप लोगों के लिए देखने को मिल जाता है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है। और यदि आपने बीबीटेक कर रखा है तो आप लोग के लिए भी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा। आप लोग जेई की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक और पोजीशन निकाली गई है, वो आप रहेगा यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का भी पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि जिन्होंने बीबीटेक कर रखा है वो जेई की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे ए की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी वैकेंसी यहाँ पे सरकारी नौकरी रहेगी, सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, आपका जॉब लोकेशन आपको क्या देखने को मिलेगा और आपका सैलरी क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बता दूंगा, इवन मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। इसीलिए जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप 100% अपने मोबाइल के थ्रू बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। टारगेट हम जो रख रहे हैं वीडियो के लाइक का वो रख रहे हैं यहाँ पे 1000+ आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सभी लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं वो भी बता देना, क्योंकि आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। मैंने नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे उन पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। वैसे देखा जाए नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, आपको पढ़ना है तो आप अच्छे से उसको पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। जॉइंट वेंचर देखने को मिल जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि काम करता है हाई स्पीड रेल के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात की जाए तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है 2 तारीख से, 2 मई 2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 मई 2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पूरा पूरा 1 महीने का समय आपको मिला है। अगर आप में से किसी को भी अप्लाई वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्योंकि अगर आप 50 से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली नेक्स्ट डे ही अप्लाई का वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो यहाँ पे आपका रहेगा, इन्होंने मेंशन कर दिया कि 2 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो इसका CBT एग्ज़ाम रहेगा उसका यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, आपको ईमेल के माध्यम से आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर SMS आ जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता दी है। अब बात की जाए यहाँ पे
पोजीशन के बारे में कि क्या क्या पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दो टाइप की पोजीशन देखने को मिलेगी, दो कैटेगरी के अंदर वैकेंसी डिवाइड की गई है। सेक्शन ए रहेगा जिसमें आपका रहेगा रेगुलर बेसिस पे, मतलब कि परमानेंट जॉब रहेगी, और कुछ वैकेंसी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी आपका बढ़िया चलेगा, जैसे कि 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। लेकिन ये जो सेक्शन ए की वैकेंसी है वो आपके लिए रहेगी, ये सरकारी नौकरी देखने को मिलेगी। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको सेक्शन बी भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपका यहाँ पे 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसके बाद 2 साल और एक्सटेंड कर देंगे, टोटल आपको 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हम दोनों वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं, पहली वैकेंसी को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसमें पूरा चार्ट मेंशन किया है कि आपका पोस्ट यहाँ पे कोड क्या रहेगा, नेम ऑफ द पोजीशन क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए पहली वैकेंसी देखने को मिलेगी, पोस्ट कोड को ध्यान रखिएगा, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट कोड को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो गलत पोस्ट कोड यहाँ पे सिलेक्ट मत करिएगा। पोजीशन आपका रहेगा टेक्नीशियन का, S&T डिपार्टमेंट रहेगा, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। सैलरी के बारे में बात की जाए, सैलरी बढ़िया रहेगा, 35,000 रुपये से लेके 1,10,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपका सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 8 निकाली गई है, CBT एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर आपने IT कर रखा है इलेक्ट्रिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने IT कर रखा है कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है, या फिर कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर अगर आपने IT के अंदर डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, A1 आपका यहाँ पे होना जरूरी है। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 20 साल से लेके 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये रखा गया है आप लोगों के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो यहाँ पे EWS कैटेगरी में आते हैं, बाकी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, OBC कैटेगरी को 3 साल का, और अगर आप SST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात की जाए आपका जो एज काउंट होगा 31/3/2023 तक आपका ये एज काउंट होने वाला है। अब बात की जाए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट MNC में काम कर रखा है आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, 4 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए S&T डिपार्टमेंट रहेगा, सैलरी आपका रहेगा 40,000 रुपये से लेके यहाँ पे 1,25,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 8 निकाली गई है, NE4 आपका यहाँ पे ये आपका ग्रेड पे रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, BE/BTECH कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर अगर आपने IT कर रखा है, या फिर IT ब्रांच के अंदर अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा या फिर BE/BTECH कर रखा है आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपने काम किया एलिजिबल है। A1 आपका यहाँ पे कैटेगरी रहेगा जो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का, इसमें आपका 20 से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी के बारे में, जो कि सेक्शन बी के अंदर निकाली गई है, उसके अंदर जो आपका एज लिमिट रहेगा 20 साल से लेके 35 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसमें यहाँ पे पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है, पोस्ट कोड दे रखा है, नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है, पे स्केल दे रखा है, और यहाँ पे वैकेंसी को डिवाइड कर दिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है, और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सिविल की पोजीशन के लिए तो सैलरी आपका रहेगा A2 ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा, और आपका 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये सैलरी रहेगा, और टोटल नंबर वैकेंसी 11 निकाली गई है। तो अगर आपने BE/BTECH कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है सिविल ब्रांच के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
है, 4 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपने काम किया है, एलिजिबल रहेंगे। एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग के अंदर, यहाँ पे 50,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। BBTech की है, डिप्लोमा की है, सिविल के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर HR के अंदर, तो यहाँ पे 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। सैलरी सेम रहेगा 50,000 से लेके 1,60,000 रुपये पर मंथ का। ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही साथ आपने यहाँ पे MBA कर रखा है, एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल तक का यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे जूनियर मैनेजर की पोजीशन के लिए, सैलरी आपका रहेगा 40,000 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये पर मंथ का। 12 वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने डिप्लोमा किया BBTech के सिविल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का ही यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। किसी भी MNC कंपनी में अगर आपने 2 साल तक काम किया है, एलिजिबल रहेंगे। वहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर, सैलरी सेम रहेगा 40,000 से लेके 1,40,000 तक। 21 वैकेंसी निकाली गई है। डिप्लोमा की है, BBTech की है, इलेक्ट्रिकल के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब बात कीजिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपका काम क्या रहेगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके काम को आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसको मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा, यहाँ पे आपका 3 स्टेज के अंदर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 स्टेज रहेगी। पहला स्टेज रहेगा CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम रहेगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपका यहाँ पे PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। पहला CBT एग्ज़ाम, दूसरा आपका PI, तीसरा आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे दे दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा, जो कि आपका CBT एग्ज़ाम रहेगा, उसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बता दिए, जो कि आप स्क्रीन पे अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सियोरिटी बॉन्ड है, वो आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन ए की पोजीशन के लिए, तो 3 लाख तक का करना पड़ेगा। और अगर आप सेक्शन बी की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपको 3 लाख तक का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको 90 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में अगर बात की जाए, तो मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको अप्लाई का पूरा तरीका बता दूंगा। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मैंशन कर रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट के साइज को आप अच्छे से कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट रह गया, आपका यहाँ पे फोटोग्राफ रह गया, आपका सिग्नेचर रह गया, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से स्कैन कर लेनी है। यहाँ पे इन साइज के बीच में ही करना है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ भी पूछना रहता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही जॉब प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।